सबसे पहले तो देखो यार, ये वीडियो चल रही है पीछे और कंपनी की तरफ से आपको इस तरह की वीडियोस मिलेंगी। आपको सिर्फ उनको चेक कर ये देखना है कि ये वीडियोस क्या सही हैं या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि पब्लिश होने के लिए रेडी नहीं है। यानी कि एक कंपनी आपको इस तरह से कुछ एड्स देंगे जिनको कि आप चेक करोगे। अब यहाँ तो सिर्फ मैंने एक वीडियोस की बात की है, कंपनी आपको हो सकता है कोई टेक्स्ट फॉर्मेट में दे दे, हो सकता है या आपको कुछ इमेजेस दे दे, तो उनको आपको सिर्फ देख के चेक करना है और उनका रिव्यू करना है, दैट्स इट। अब आप सोचेंगे कि इस काम के लिए तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, आपने कभी ये काम किया है, तो आप इस काम को कैसे करोगे? टेंशन मत लो, इस काम को करने के लिए मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कैसे आपको अप्लाई करना है, क्योंकि ये जो काम है एक ऐसी कंपनी की तरफ से है जो इंडिया की नंबर वन कंपनी है। आप लोग हमेशा कहते हो ना यार कि हमें कोई जेन्युइन कंपनी चाहिए, हम इधर उधर ट्राई कर फ्रीलांसिंग जॉब्स को ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं, हमें चाहे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन ऐसा काम मिले जो किसी कंपनी का हो। एक कंपनी में हम काम करें, 7 से 8 से 9 घंटे उस कंपनी को दें और बदले में वो हमें महीने की एक फिक्स सैलरी दे दे। तो आप लोगों की डिमांड हमेशा सर आँखों पर होती है, तो इसलिए आज ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। ये जो काम है ये अमेज़न की तरफ से आया हुआ है। अब मुझे पता है कि अमेज़न का नाम सुनते आधे लोगों के तो हाथ पैर फूल जाते हैं। क्यों इतना सोचते हो यार? बड़ी कंपनी में जब आप ट्राई करोगे ना, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप वहाँ पर सिलेक्ट हो जाओगे। हो सकता है कि आप 2, 4, 6 बार रिजेक्ट हो, लेकिन जब आप रिजेक्ट होते हो तो कुछ ना कुछ सीखते हो, लेकिन जब आप बार बार रिजेक्ट होते हो तो फिर चांस आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्राई करना हमेशा बंद मत करना, लगातार कोशिश करते रहना। अच्छी कंपनी में जॉब करो के लिए ट्राई करोगे तो एक ना एक दिन आपको जॉब मिल जाएगी, बट अगर किसी ऐसी फालतू की वेबसाइट्स पर अपना टाइम ख़राब करते रहोगे तो फिर ऐसे ही 1-2 साल निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अब कौन सी ये वेबसाइट है, कैसे इस पर आपको अप्लाई करना है, कितनी सैलरी यहाँ पे मिलेगी, क्या कंडीशन है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप करे बहुत ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो बनाऊँ नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। बिना टाइम को वेस्ट के सीधे लैपटॉप के स्क्रीन में चलते हैं, समझते हैं पूरा प्रोसीजर। चले चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस देखिए, अब आ चुके हैं आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा और जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने देखो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अमेज़न की खुद की ये जो वेबसाइट है उस पर ये जॉब निकली हुई है। सबसे पहले मैं जॉब डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ। अब देखिए, एड्स कंटेंट रिव्यूअर, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो वर्क होने वाला है, एड्स कंटेंट आपको मिलेगा, उसका आपको रिव्यू करना पड़ेगा। अब एड्स जो है वो किसी तरह के भी हो सकते हैं, मैंने पहले बताया कि वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है। यहाँ पर दिया गया है कि इंटरनेट एडवाइज़र रिव्यू हो सकते हैं, ट्रेनिंग और कोचिंग यहाँ पर आपकी होगी, मेंटेनेंस एंड अपडेट, डॉक्यूमेंटेशन और मॉनिटरिंग होगा वर्कफ्लो का, साथ ही साथ रिव्यू और मेंटेन होगा इंटरनेट प्रोसेस क्वालिटी को। तो ये कुछ चार जो यहाँ पर स्टेप्स हैं जो यहाँ पर आपको आपकी जॉब से होगी, यानी कि एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे एक एक करके दी गई है, आप एक बार खुद से रीड आउट जरूर कर लेना। नीचे आ जाते हैं तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो बेसिक क्वालिफिकेशन क्या ज़रूरत है इसकी। देखिए, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सबसे मेन डिग्री यहाँ पर है कि बैचलर डिग्री, यानी कि जिन्होंने भी ग्रेजुएशन की है उन के लिए ये जॉब सबसे बेस्ट होने वाली है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर 12th पास है वो इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो प्रीफेक्ट क्वालिफिकेशन की, तो एडवांस कंप्यूटर स्किल्स अगर आपके अंदर है, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, तो फिर ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। अब सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर सोर्स डिटेल्स पूछ रहा है आपसे कि किस आपको ये जॉब कहाँ से पता लगी है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास अलग अलग ऑप्शन हैं, तो आप क्या करते हैं जॉब बोर्ड से क्लिक कर सकते हैं। जॉब बोर्ड का नाम पूछेगा कहाँ से आपको मिला है, तो आप कहीं भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अदर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स में आपको अपना फुल नेम डालना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी डालनी है, उसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर पूछेगा सिटीजनशिप आपकी क्या है, तो इंडियन है तो आप इंडिया कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि वॉलंटियर सेल्फ, तो आपको करना है आई डोंट हैव ए डिसबिलिटी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे यस करना, अदरवाइज नो कर देना। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स में आपका यहाँ पे फुल एड्रेस, जैसे जहाँ पर आपका हाउस नंबर, फ्लोर, बिल्डिंग और स्ट्रीट नंबर डालना है, करंट सिटी आपकी कौन सी है, करंट स्टेट कौन सा है, आपके एरिया का पिन कोड।
अब देखिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि पिन कोड क्या होता है। देखो पिन कोड, पोस्टल कोड, जिप कोड एक ही होता है। अब जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं कहीं, जैसे कि आप कालका जी रहते हैं, तो कालका जी का आपको पिन कोड चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पिन कोड ऑफ कालका जी दिल्ली, आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखे पिन कोड आ गया, देखे 6 डिजिट का। ऐसे ही जिस भी एरिया में आप रहते हो, आप पिन कोड ऑफ और जिस जगह पे आप रहते हो उसका नाम कौन सा स्टेट है वो डालकर आप एंटर करोगे तो आपको 6 डिजिट का आपको पिन कोड मिल जाएगा। वो पिन कोड आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद पूछ रहा है कि आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ तक है, तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है, डिग्री आपने कहाँ तक की हुई है, परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट, पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट, ग्रेजुएशन, तो जो भी आपने किया होगा तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, कौन से साल आपने किया है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, एजुकेशन टाइप पूछ रहा है कि किस टाइप में क्या है, आर्ट्स में क्या है, कॉमर्स में क्या है, अदर में किया है तो अदर, आर्ट्स में किया है तो आर्ट्स। उसके बाद पूछ रहा है आपकी डिटेल्स, यानी कि कोई आपको वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो हाँ, नहीं तो नो कर देना। फिर पूछ रहा है कि आपका एक्टिव करंट बैकलॉग क्या है, अगर तो यहाँ पे यस, नहीं है तो आपको नो कर देना है। उसके बाद करेंटली वर्किंग विद अमेजन, आपको नो कर देना है। उसके बाद पूछ रहा है कि कस्टमर वाया टेलीफोन और ईमेल आप कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे यस ही करना है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पर फिर भी आपको यहाँ पे यस करना है। आर यू विलिंग टू रीलोकेट द लोकेशन मेंशन द रिस्पेक्टिव जॉब डिस्क्रिप्शन, आपको यस कर देना है। उसके बाद आर यू विलिंग टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट, आपको यस करना है। ओवर टाइम के लिए यस कर देना है। आधार कार्ड आपके पास है, यस कर देना है। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको नो कर देना है, अगर आपने अमेज़न के साथ कभी भी काम नहीं किया तो। उसके बाद एमएस एक्सेल वीलोकप की नॉलेज है, आपको यस कर देना है। पैन नंबर डालना है यहाँ पे आपको। डॉक्यूमेंट्स में अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो आपका फॉर्मेट होने वाला है वो GIF, JPG, JPG होना चाहिए, मैक्सिमम साइज 4 MB होना चाहिए, नहीं तो आप यूज़ कैमरा कर भी यहाँ पे अपने फोन से डायरेक्टली पिक्चर क्लिक कर भी सेंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना CV, अगर आपके पास बायोडाटा नहीं है, रिज्यूम नहीं है तो बना लेना, बहुत आसान है, गूगल पे सर्च करना कैनवा और वहाँ से आप रिज्यूम बना के अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे उसको आपको सेव कर लेना है। अब यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे आपको कन्फर्मेशन मेल आएगा। अब देखो जब मेल आपके पास, मेल तो 100% आएगा, जब आपके पास मेल आएगा तो उस मेल में देखो सबसे पहले एक टेस्ट होता है। अब वो टेस्ट क्लियर कैसे करना है, तो उसके लिए देखो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा मैं आपको समझा देता हूँ। आपको YouTube पे जाना है, YouTube पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है Amazon टेस्ट 2024, आपको ये लिखकर कर देना है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपको बहुत सारे अलग अलग मेथड्स मिल जाएंगे, फुल असेसमेंट टेस्ट, जैसे कि ये वाली वीडियो 3 दिन पहले आई है, इसको आप देख लो। मैं हालांकि यहाँ पे किसी वीडियो को स्पॉन्सर नहीं कर रहा, बट क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे असेसमेंट का आपको क्लियर होने का तरीका यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पर है आकाश सोनी जी की, इनकी वीडियो आप देख लो, जहाँ पर जो लोग यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं वो अपने वीडियोज़ के बारे में बताते हैं, तो उन वीडियोज़ को देखो, समझो पहले, उसके बाद ही उस टेस्ट को देना। सबसे पहला काम क्या है आपका, अप्लाई करने का, तो अप्लाई आप पहले कर लो, जब मेल आएगी उसके बाद आपको टेस्ट देना है, और मेल आने से पहले आप ये जो वीडियोस हैं इन वीडियोस को देखकर समझ लेना कि किस तरीके से यहाँ पे वो टेस्ट क्लियर करना है। बहुत लोग कर रहे हैं यार, आप भी कर सकते हैं, तो अभी से अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर अप्लाई करो। अब बात कर लेते हैं सैलरी की, तो देखिए सैलरी यहाँ पे आपकी जो मंथ की होगी लगभग 25,000 से 30,000 रुपये के बीच में होने वाली है, जो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगी, तो सारी चीज़ें आपको मेल के थ्रू बता दी जाएंगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अमेज़न बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पर आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता। तो अभी से अभी क्लिक कर अप्लाई करो, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज। तो गाइज अभी आपने देखा, देखो मैंने कोशिश करी कि मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बता सकूँ। अब देखो कंपनी की जॉब है तो अप्लाई जरूर करना, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं ये वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ सारी डिटेल्स के साथ, तो अभी से अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो और अप्लाई जरूर कीजिए। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी जॉब वीडियो के साथ, तब तक अपने और अपने प्यारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।